हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्का तथा उल्कापिंड के बारे में। तो चलिए पहले जानते हैं ग्रह के बारे में। देखिए, तो वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास न ऊष्मा हो न ही प्रकाश हो वह ग्रह कहलाता है। और ये ग्रह जो है ऊष्मा और प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारा पर निर्भर रहता है। और अब जानते हैं उपग्रह के बारे में। तो उपग्रह के पास भी न ऊष्मा रहती है और न ही प्रकाश रहता है, वो भी किसी निकटतम तारा पर निर्भर रहता है ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए। लेकिन ये उपग्रह जो है ये अपने निकटतम ग्रह का चक्कर लगाता है, ना कि तारा का चक्कर लगाता है। अब जानते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो क्षुद्र ग्रह जो है ये बहुत सारे ग्रह का टूटा हुआ भाग है। और ये क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में रहती है। और क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण बीच में ही रहते हैं। और जब मंगल ग्रह जो है क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर खींचती है और मंगल ग्रह आय खिसक जाता है, तो क्षुद्र ग्रह जो है वो पृथ्वी को आने लगती है। और जब वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसके वायुमंडल में घर्षण के कारण उसमें जलन उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण जलने लगता है, तो उसे बोलते हैं शूटिंग स्टार बोलते हैं। और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी को जब आ रही होती है तो उसे बोलते हैं उल्का। और वो उल्का जो है जब पृथ्वी पर गिर जाती है तो उसे बोलते हैं उल्का पिंड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।